बॉबी फिल्म की शूटिंग में डिंपल कपाड़िया को छिपाने पड़े थे अपने हाथ। 8 जून 1957 को जन्मी डिंपल कपाड़िया को बॉलीवुड में लाए थे राज कपूर। सन 1973 में फिल्म बॉबी से राज कपूर ने डिंपल को लॉन्च किया था। पहली ही फिल्म में बिकिनी पहनकर डिंपल ने सभी को हैरान कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक ट्रेस की बजाय एक सेक्स सिंबल समझा जाने लगा। इसके बाद जो सफर शुरू हुआ उसमें डिंपल ने कई बार इस बात को गलत साबित किया और अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। 1987 में आई फिल्म काश, 1990 में आई फिल्म दृष्टि और लेकिन, और फिर 1993 में फिल्म रुदाली के जरिए डिंपल ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इस बीच उनकी लव लाइफ की भी काफी चर्चा हुई। बॉबी के रिलीज होने से पहले ही खुद से 15 साल बड़े बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना से डिंपल ने शादी कर ली थी। कहा जाता है कि राजेश डिंपल को लेकर काफी पॉजिटिव थे। उन्होंने शादी के बाद डिंपल को फिल्में करने से मना कर दिया था, लेकिन बॉबी फिल्म डिंपल साइन कर चुकी थी और उन्हें ये फिल्म करनी ही थी। ये भी बताया जाता है कि इस फिल्म के कारण डिंपल और राजेश को अपना हनीमून टालना पड़ा। फिल्म के कई सीन्स में डिंपल को अपने हाथ छिपाने पड़े थे क्योंकि उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। साल 1982 में डिंपल और राजेश के रिश्तों में दरार आ गई। नतीजा ये हुआ कि डिंपल ने पति का घर छोड़ दिया। अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ वे अलग रहने लगी। राजेश खन्ना से अलगाव के बाद डिंपल ने साल 1984 में जख्मी शेर के साथ फिल्मों में वापसी की। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं। रुदाली के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से भी नवाजा गया। 1985 में आई फिल्म सागर के लिए डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। डिंपल कपाड़िया 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है, 2010 में दबंग और 2012 में कॉकटेल जैसी फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं।